नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैप के वीडियो ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है एल्गो क्रैप है और जिसके थ्रू आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ज़्यादातर वीडियोस जो हमारे चैनल पे होते हैं वो एल्गो ट्रेडिंग के बारे में ही होते हैं और एल्गो ट्रेडिंग में जो जो एड ऑन हम करते जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर ऐड करे गए नए फीचर्स के बारे में है, जिसमें कि आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कैसे हमारे प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, और साथ ही साथ बताएंगे कि अगर आपको स्टॉप लॉस में यूज़ करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज़ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, नया हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड किया है, जिसकी मदद से आप आराम से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। दो अलग अलग तरीके के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। दोनों के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा कि किस तरीके से ये अलग अलग तरीके के स्टॉप लॉस काम करते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है इनका। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, वरना आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से प्लेटफॉर्म वर्क करता है। तो ज़्यादातर वीडियोस में मैं बेसिक चीज़ें पहले से ही बता के रखता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पे एल्गो क्रैप पे जाके आपको साइन अप करना होता है, तो सारा प्रोसेस आपको मालूम ही होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर साइन अप कर सकते हैं आप, जिससे आपको 6 दिन का फ्री ट्रायल मिल जाता है। अब मैं प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करूंगा और लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा कि लॉगिन करने के बाद किस तरीके की स्क्रीन्स दिखती हैं और कहाँ से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एक्टिवेट करना होगा। तो उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाना होगा और प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए आपको अपना आईडी और पासवर्ड डालना होगा जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है, और उसके बाद आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो डैशबोर्ड पर आने के बाद दोस्तों सबसे पहला काम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं हर बार हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस होता है ब्रोकर लिंकिंग का, यानी कि अपने ब्रोकर को अटैच करना हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म तक पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद करनी है। ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको अलग अलग ब्रोकर्स की डिटेल्स मिलेगी। जो भी आपका ब्रोकर हो वो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 30 से ज़्यादा अलग अलग ब्रोकर्स हैं, जो आपकी मर्जी है वो ब्रोकर आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों कि एक बार में आप एक ही ब्रोकर को कनेक्ट कर सकते हैं, दो ब्रोकर या दो से ज़्यादा ब्रोकर हमारे प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट नहीं होते। एक बार में एक ही ब्रोकर कनेक्ट करेंगे, जो आपका मनपसंद ब्रोकर हो वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद आपको टोकन लेना होता है। टोकन के लिए आप अपडेट करके गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करेंगे। तो कुछ वेबसाइट्स में ऐसा होता है, कुछ ब्रोकर्स की वेबसाइट पर, कि वो आपको टोकन के लिए प्लेटफॉर्म पर अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर जाते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म पर ऐसा होता है कि आप आईडी पासवर्ड टीओटीपी वगैरह की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर डाल देंगे, या ओटीपी की इन्फॉर्मेशन आती है वो डालने के बाद टोकन मिल जाता है। टोकन क्या होता है ये सब चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आज हम डायरेक्ट फीचर पे चलेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आराम से आपको समझ में आ पाए। तो अगर आप दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में जाना है और ऑप्शन स्ट्रेटजीज में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको इधर ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी आप चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप सुपर ट्रेंड पे काम करते हैं तो सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा सिंबल का नाम, निफ्टी सिलेक्ट कर सकते हो निफ्टी में करते हो तो। एक्सपायरी डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी, और उसके बाद आपको मंथ सिलेक्ट करना होगा और ईयर सिलेक्ट करनी होगी। जैसे ईयर मंथ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप प्रोडक्ट टाइप में रेगुलर सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर में आप MIS, अगर इंट्राडे करते हैं तो MIS कर सकते हैं, क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, लिमिट मार्केट ऑर्डर्स लगा सकते हैं, और अगर आपको ATM, OTM या ITM में ट्रेडिंग करना है तो वो भी आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ऑप्शन कैंडल टाइप, ये भी एक नया चीज़ है, इसके बारे में मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा जाके आपको मैं बताऊंगा। और उसके बाद आता है दोस्तों SLTP टाइप। यहाँ पर 3 तरह के अलग अलग दिखे हुए हैं आपको, एक नॉर्मल है, एक है आपका ब्रेक इवन, और एक है ट्रेलिंग स्टॉप। रेशो वाला जो है ये आपको भी डिसेबल है, इसको भी मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ब्रेक इवन की। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर आप ब्रेक इवन स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस किस तरीके से काम करेगा। अब आप दोस्तों अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए कि आप, ये एक कैंडल है जिस पर आपका ट्रेड हुआ है, ठीक है।
ये एक कैंडल आपको दिख रही है, इसके ऊपर आपका ट्रेड हुआ है, इस क्लोजिंग पे आपका ट्रेड हुआ है, और आपका ये जो लेवल है वो आपका SL का लेवल है। मान लीजिए इसको थोड़ा सा इसका साइज कम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये जो है आपका लेवल है वो है SL हो गया, स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पर। अभी ये कैंडल आपकी यहाँ पर आपका ट्रेड आया था, एंट्री इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम एंट्री कह देंगे। तो एंट्री यहाँ पर हुई। अब इस कैंडल का जो हाई है वो ये है, ठीक है, ये हाई है। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करती अगली कैंडल, तब तक आपका ब्रेक इवन स्टॉप लॉस काम नहीं करता। अब चाहे वो अगली कैंडल करे या उससे अगली कैंडल करे या उससे अगली कैंडल करे, कोई भी कैंडल, जैसे ही कैंडल जो है इसको हाई को ब्रेक करती है, यहाँ पर मान लीजिए एक कैंडल बनी इस तरीके से, एक और कैंडल आपकी बन गई, ठीक है। तो इस कैंडल ने जैसे इसका हाई ब्रेक किया, तो मान लीजिए ये न्यू हाई है, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है उसका फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ब्रेक इवन में फॉर्मूला हो जाएगा हाई माइनस स्टॉप लॉस। यानी कि अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का था और 1000 पे आपका ट्रेड आया था, तो आपका स्टॉप लॉस था 980। अब मान लीजिए आपका 1000 पे ट्रेड आने के बाद 1020 चला गया, तो 1020 माइनस 20 इज इक्वल टू 1000 हो गया। अब ये 1000 आपका स्टॉप लॉस, यानी कि स्टॉप लॉस आपका कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आगे आगे जैसे नया हाई बनता जाता है, तो हाई माइनस स्टॉप लॉस करके आपका स्टॉप लॉस साथ के साथ ट्रेल होता जाता है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आनंद आप उठा सकते हैं, जो कि ब्रेक इवन मेथड से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये था ब्रेक इवन मेथड का कॉन्सेप्ट। और अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा जो स्टॉप लॉस टाइप है वो कैसे यूज करना है आपने। दूसरा जो स्टॉप लॉस टाइप है दोस्तों वो है ट्रेलिंग। तो ट्रेलिंग के लिए ट्रेलिंग स्टॉप को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको दो इनपुट्स मिल रहे हैं, ट्रेलिंग स्टेप्स और ट्रेल बाय का। ट्रेलिंग स्टेप्स और ट्रेल बाय कैसे काम करते हैं, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, वो ये कि कभी भी जब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ट्रेलिंग स्टेप्स की वैल्यू जो है वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए ट्रेल बाय से। अगर ट्रेलिंग स्टेप की वैल्यू कम होगी तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टेप्स की वैल्यू हमेशा ज्यादा होनी चाहिए ट्रेल बाय की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 20 और ट्रेल बाय में मैं लिख देता हूँ 10, ठीक है। तो अब दोस्तों ये कैसे काम करेगा उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो अब क्या है, दोबारा से मैं आपको एक कैंडल बना के दिखाता हूँ कि मान लीजिए ये कैंडल हमने ड्रॉ की, ठीक है, इस कैंडल के क्लोजिंग पे आपका यहाँ पर एंट्री आ गया। अब क्या है कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितना है, यहाँ पे स्टेप कितना है 20 और ट्रेल बाय की वैल्यू कितनी है 10। तो अब ये कैसे काम करेगा दोस्तों, अब ये काम ऐसे करेगा कि जब यहाँ पर आपका मान लीजिए ये जो वैल्यू थी वो थी आपकी 1000, ठीक है, ये 1000 थी। अब जैसे ही प्राइस 1020 जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस था आपका अभी फिलहाल इनिशियल स्टॉप लॉस कितना था, मान लीजिए 20 पॉइंट्स था, मान लीजिए ये था 980। तो अब क्या स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 980 प्लस 10 किस लिए, जो ट्रेल बाय की वैल्यू है। फॉर्मूला जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा किस फॉर्मूले से काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये वाला स्टॉप लॉस ट्रेल होता है। दोनों स्टॉप लॉस का ट्रेलिंग करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग अलग है, तो उसी हिसाब से दोनों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करते हैं। जो भी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना हो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं और उसको यहाँ पर वैल्यू को डाल सकते हैं, जैसे वैल्यू डाली हुई है। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कैंडल एंट्री टाइप, कैंडल क्लोज या हाई लो ब्रेक, यहाँ पर ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आपको बेसिक चीजों पे आप यहाँ पर इसको नॉर्मल रख सकते हो, कैंडल टाइप को, एंट्री टाइप को नॉर्मल रख सकते हो। और यहाँ पर टारगेट पॉइंट्स में मान लीजिए आपको 50 पॉइंट्स का टारगेट चाहिए, स्टॉप लॉस में आपको मान लीजिए 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए। इस तरीके से आप ये सारा कुछ सेट करेंगे और सेट करने के बाद यहाँ पर आप इसको स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर एक कार्ड बन जाएगा, कार्ड को आपने स्टार्ट कर देना है। बस कार्ड स्टार्ट करने के बाद आपको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरीके से काम करता है और हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर आपको किस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एनेबल करना है। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल्स किस किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म में, जिसमें कि नॉर्मल कैंडल, हाई कैनाशी और रैंको कैंडल भी यूज कर सकते हैं आप। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल क्लोज पे एंट्री और जो हाई लो ब्रेक पे एंट्री है वो किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।